प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब में सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर अब भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच जबानी जंग तेज हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के तीखे हमले से सियासत और गर्मा गई है। गौरतलब है कि पीएम की सुरक्षा को लेकर उठे सवालों के बीच मामला राष्ट्रपति तक पहुंच चुका है। जांच के लिए पंजाब सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। वहीं मुरादाबाद में भी महिला मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए मंदिर में दीपदान किया गया। इसके साथ साथ महानगर महामंत्री हेमा खत्री द्वारा बताया गया कि मुख्य रूप से इस घटना की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है और पंजाब के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी के संग जो हादसा, मतलब जो काफिले को रोका गया पंजाब में, उसके उपलक्ष्य में हम लोग दीपदान कर रहे हैं मंदिर में। जो हमारे प्रधानमंत्री जी सुरक्षित लौट के आए हैं, क्योंकि जो पंजाब में 20 मिनट तक काफिले को रोका गया, कोई सुरक्षा नहीं थी वहाँ पे, और कोई भी दुर्घटना हमारे प्रधानमंत्री जी के संग हो सकती थी। इसके हम लोग सब लोग घोर निंदा करते हैं और चन्नी जी को इस्तीफा देना चाहिए, कांग्रेस सरकार को, जो उनकी कोई भी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं थी। आप किसे मुख्य रूप से बांधती हैं कारण? कांग्रेस को, जो इनकी सोजी समझी साजिश थी। क्या चाहती हैं आप? कि चन्नी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। इस दौरान महिला मोर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई घटना की जमकर आलोचना की गई।